गाइज अगर आप लोगों को व्हाट्सएप चलाने का बहुत शौक है या फिर आप लोगों को कॉल पे बात करने का बहुत शौक है तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वर्क फ्रॉम होम की जॉब आई है। बेसिकली गाइज यहाँ पे जो कंपनी हायरिंग कर रही है ये दो रोल्स के ऊपर हायरिंग कर रही है। इसमें से एक ऐसा रोल है जहाँ पे आपका जो वर्क है वो कस्टमर्स के साथ व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन करना, बातचीत करना रहेगा, और एक ऐसा रोल आया है जहाँ पे अपने कॉल्स को मॉनिटर करना है। जो भी कॉल्स रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगे आपने मॉनिटर करके सुनना है, देखना है कि सही तरीके से बात हो रही है कि नहीं। इस तरीके के रोल है विद अ हाई सैलरी पैकेज के साथ गाइज जॉब रहने वाली। 40,000 से भी ज्यादा सैलरी पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोनों के दोनों रोल वर्क फ्रॉम होम है। फ्रेशर एक्सपीरियंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट यहाँ पे आपका टेस्ट भी होगा एंड जो कंपनी यहाँ पे हायरिंग कर रही है वो भी बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, बट गाइस इस जॉब अपडेट से पहले एक फाइनल एंड फाइनल रिमाइंडर है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका रिज्यूम, आपका सीवी कहीं भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, तो आप सब लोगों के लिए मैंने कल संडे शाम को एक फ्री वेबिनार रखा है। एक बहुत ही अमेजिंग वेबिनार वो होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ऐसा सीवी कैसे बनाया जाता है जो कि सब जगह शॉर्टलिस्ट होता है। और गाइस उस वेबिनार के अंदर जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको मैं प्रीमियम टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड करूंगा जिनकी मार्केट वैल्यू 2000 से भी ज्यादा है। तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कल संडे वाले दिन आपके पास वेबिनार का लिंक आ जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया इस जॉब की पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं दोस्तों तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे जॉब अपडेट के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस ये आप लोग जो मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो जो कंपनी यहाँ पे हायर कर रही है, कंपनी का नेम है गाइस डिटो, इंश्योरेंस से रिलेटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब गाइस यहाँ पे कंपनी ना दो रोल्स के ऊपर हायर करी जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहले रोल की बात करते हैं। पहला रोल है इंश्योरेंस एडवाइजर रिमोट, तो ये वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। अब इसमें देखो यार कंपनी ने क्लियरली यहाँ पे लिखा है बहुत सारी चीजें जो कंपनी ने बहुत अच्छी लिखी कि सबसे पहले तो इसके अंदर कोई सेल्स टारगेट नहीं है आपके ऊपर, कोई टारगेट वाला प्रेशर नहीं, कितना काम करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई एक्सपीरियंस की जरूरत इसके अंदर नहीं है, और तीसरा कोई स्पैम नहीं, कोई मिस सेलिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर। अब इसमें देखो यार दो टीम है, एक टीम इन्होंने ऐसी रखी भी आप दोनों में से कोई भी टीम चुन सकते हो। एक ऐसी टीम है जहां पे आपका 40% जो काम है वो कॉल पे रहेगा बाकी व्हाट्सएप पे, और दूसरा जो काम है उसमें 60% कॉलिंग रहेगा बाकी व्हाट्सएप पे रहेगा। टाइमिंग भी दे रही है शिफ्ट की, किस टाइम से लेके किस टाइम तक के बीच में आपको काम करना है। रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, कन्विंसिंग स्किल आपकी बढ़िया हो, लोगों से आप बातचीत करना जानते हो, एनालिटिकल स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज, ये चीजें आपको होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होना इसके लिए जरूरी है और वर्क करने के लिए सिस्टम होना चाहिए। पर्क्स एंड बेनिफिट्स में जैसा मैंने बताया वर्क फ्रॉम होम है, अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, और सैलरी देख लो यार 4.5 एलपी फिक्स्ड है। यहाँ पे इनके एक ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी 43,000 पर मंथ रहने वाली है। ये सबसे अमेजिंग पार्ट है इसका। इसमें लीव्स भी मिलेंगी, ऑफ साइट इवेंट्स वगैरह भी इनके होते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस में जैसा यहाँ पे बताया गया, देखो सबसे पहले एचआर इंट्रोडक्टरी कॉल, यहाँ पे बेसिकली जब आप अप्लाई करोगे ना तो आपके पास एक मेल भी आएगा, यहाँ से एक सिस्टम होता है, आपको उसमें अपना एक वीडियो बेस्ड इंटरव्यू देना होता है, वो काफी स्टेप्स है, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पे लिखा भी है वंस यू फिल द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो रिज्यूम, तो अपना वीडियो रिज्यूम सबमिट करना होता है इसके अंदर, और वहां पे इंग्लिश में बोलना है भाई, कोई हिंदी में मत बोल देना, ठीक है। तो ये सबसे पहला रोल है। सेकंड रोल गाइस इससे भी प्यारा है, और हाँ इस रोल का तो हमने सारा कवर कर लिया। सेकंड रोल है कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव रिमोट है ये भी। इसमें आपका काम है जी आपको कॉल्स को मॉनिटर करना है और प्रोवाइड एक्शनेबल इनसाइट टू इंप्रूव करंट प्रोसेस। आपको कहीं पे लग रहा है कि कोई चीज गड़बड़ है, सही से पिच नहीं किया गया, गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो आपने अपने सीनियर अथॉरिटीज को बताना है, तो मॉनिटर करना है इसके अंदर, सर आपका काम वही रहने वाला है। अब यार देखो इसमें एक्सपीरियंस 0 से 3 साल वाले चल जाएंगे, कम्युनिकेशन बढ़िया हो, कस्टमर सर्विस स्किल्स आपके पास होने चाहिए, एक्सीलेंट लिसनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, तो एलिजिबल हो आप यहाँ पे। इसमें भी रिमोट वर्क है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, पैकेज 4.5 एलपी आपका रहने वाला है, तो सैलरी तो यार नो डाउट बहुत जाती है, 38-39 हज़ार के आसपास सैलरी आपकी रहने वाली है। अब यार अप्लाई करने का प्रोसेस समझते हैं। देखो मैं सबसे पहले इंश्योरेंस एडवाइजर के अप्लाई नाउ पे गया, तो यहाँ पे गाइस देखो फॉर्म आ गया। सबसे पहले उन्होंने पूछा फर्स्ट नेम, मिडल नेम छोड़ दो, आपका लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आप कौन सी टीम चुनना चाहते हो, टीम ब्लिस या टीम फैल्कन, उसके बाद कौन सी शिफ्ट आप चुनना चाहते हो वो आप चुन लो, उसके बाद आपका नोटिस पीरियड, आप कहीं पे काम करो नहीं करे तो कैन ज्वाइन राइट नाउ, आपकी करंट सीटीसी कहीं पे काम करे तो ठीक है वरना एनए फ्रेशर। आपको इसके बारे में कहां से पता चला, तो ये जॉब अभी लिंक्डइन पे रिसेंटली पोस्ट हुई तो आप लिंक्डइन कर सकते हो, और इफ योर ऑप्शन वॉज अदर्स, अगर कोई अदर्स है तो यहाँ पे लिख दो, अदरवाइज यहाँ पे एनए लिख दो। आर यू एन एम्प्लॉई रेफरल, इसको नो कर दो और यहाँ पे आगे एनए लिख देना। उसके बाद है
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग व्हाइल स्पीकिंग विद क्लाइंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजरी। अब यहां पे आपसे ना तीन चार सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा गाइस, ये उन क्वेश्चंस के आपको अच्छे से सही से आंसर देने हैं। अगर आप उनके सही से आंसर देते हैं तो फिर वो सही जाएगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस पे ही टिका हुआ है गाइस आपका सिलेक्शन होगा, यानी प्रोफाइल आपकी शॉर्टलिस्ट होगी। नहीं तो इनको अच्छे से पढ़ के अच्छे से आंसर देना, और कोई एआई टूल से डाटा कॉपी पेस्ट मत कर देना यहां पे, क्योंकि इनको पता चल जाता है। तो खुद के वर्ड्स लिखना, अगर एआई टूल का यूज भी करो तो उसको मॉडिफाई करना और अपनी भाषा में लिखना थोड़ा सा। तो ये सारा है, और उसके बाद इन्होंने लिखा भी है कि जब इसको आप कंप्लीट करोगे तो एक मेल आएगा, उसमें एक वीडियो स्क्रीनिंग आपको करनी सारा करके, आई अंडरस्टैंड आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके सबमिट कर देना एज इट इज गाइस। दूसरा जो है कस्टमर सर्विस क्वालिटी वाला, इसमें भी जब मैं अप्लाई पे जाऊंगा तो सेम एज इट इज हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहे, कुछ क्वेश्चन आए, इनको भर के लास्ट में सबमिट कर देना है। तो ये तो है सारा अप्लाई प्रोसेस एंड ऑल डिटेल्स। अब जहां तक बात रही इसके इंटरव्यू के प्रिपरेशन की, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा गाइस, जहां पे मैं लोगों को इनवाइट करता हूं जो इन जैसी कंपनीज में सिलेक्ट होते हैं, और वहां पे वो लाइव आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो वहां से आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की जॉब अपडेट, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे न्यू वीडियोज के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी कैसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।